नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बस। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क के 2021 के लिए कौन सा स्टेट है सेफ हो सकता है, कहाँ से आपको अप्लाई करना चाहिए, तो इस बारे में हम बात करेंगे। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है स्टेट को सेलेक्ट करने से पहले कि आपका ट्रांसफ़र उसी स्टेट में होगा, किसी दूसरे स्टेट में नहीं होगा, जहाँ पर भी आपको चुना जाएगा वहाँ के लिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, जोन जैसे भोपाल जोन में है तो भोपाल जोन में ही आपको ट्रांसफ़र होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, एग्ज़ाम डेट आप लोगों को पता होगा कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जून 2021 में होगा, मेंस का एग्ज़ाम 31/7/2021 से को होगा, और एग्ज़ाम अगर एसबीआई ने बोला है तो इस समय करवा दिया जाएगा, मतलब एग्ज़ाम के लिए कम टाइम है। चलिए अब सेफ जोन के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे सेफ जोन मुझे जो लगता है वो अभी हिंदी लैंग्वेज के लिए, पहले मैं बात करता हूँ हिंदी लैंग्वेज के लिए जो सबसे सेफ जोन है दोस्तों, वो है मध्य प्रदेश से हो सकता है, या फिर आप छत्तीसगढ़ को अप्लाई कर सकते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि इस बार ज़्यादा बच्चे छत्तीसगढ़ से अप्लाई करेंगे क्योंकि वहाँ वैकेंसी ज़्यादा है, मध्य प्रदेश का कट ऑफ कम जा सकता है। क्योंकि एसबीआई में क्या होता है कि आप कहीं से भी फॉर्म फिल कीजिए, आपका एग्ज़ाम क्या होगा, होम सेंटर होगा। जैसे मान लीजिए कि आप रांची के रहने वाले हैं और आपने एग्ज़ाम फिल किया गुजरात में, गुजरात जोन को सेलेक्ट किया, तो आपका एग्ज़ाम गुजरात आपको जाके नहीं देना है, आपको रांची में ही एग्ज़ाम देना है पीटी और मेंस। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होने वाला है, तो आप कहीं से भी अप्लाई कीजिए, आपका होम सेंटर होगा। अब यहाँ देखिएगा भोपाल, भोपाल में 78 वैकेंसी है और यहाँ छत्तीसगढ़ में 120। तो मुझे जो सेफ़ लग रहा है अभी, मध्य प्रदेश सेफ लग रहा है, छत्तीसगढ़ से भी अप्लाई कर सकते हैं, बट इन दोनों में मैं आपको बोलूँगा कि मध्य प्रदेश अप्लाई कीजिए। अब इन दोनों जोन का कट ऑफ मैं बता दूँ, 68 से 70 के बीच में छत्तीसगढ़ और भोपाल का, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का कट ऑफ होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, उससे कम होगा, तो 68-70 लाया जा सकता है। वेस्ट बंगाल अनसेफ जोन हो जाएगा, अंडमान से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मैं कट ऑफ बता दूँ कि 2 साल का ट्रेंड क्या चला है, यहाँ आया था 52 नंबर कट ऑफ गया था 2018 में, और 2019 में 65 नंबर कट ऑफ गया था यहाँ पे, ठीक है ना। 65 नंबर 2019 में कट ऑफ गया था और 2018 में 52 नंबर। इस साल मुझे लगता है कि कट ऑफ कम हो सकता है, क्योंकि इससे पहले वाला जो वैकेंसी निकला था वहाँ वैकेंसी थोड़ा ज़्यादा था। तो अंडमान भी सेफ हो सकता है और यहाँ हिंदी बोला जाता है, यहाँ कट ऑफ 70 से नीचे होगा, 65 से भी नीचे मुझे लगता है कि 65 से नीचे होगा, तो यहाँ से चांसेज है अगर 65 आप ला देते हैं तो। सिक्किम भी एक अच्छा चांस हो सकता है, सिक्किम में भी कट ऑफ, ऐसे ऐसे स्टेट में कट ऑफ कम जाता है, तो आप चाहे तो सिक्किम से अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ उतना कंपटीशन आपको सेफ है, मतलब ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। मैं टॉप की भी बताऊँगा कि टॉप पे 2 या 3 स्टेट कौन से होंगे, अभी देखते हैं पूरे। लद्दाख में भी जा सकते हैं, लद्दाख का हिंदी नहीं है लैंग्वेज यहाँ पे, ठीक है, तो लद्दाख अनसेफ है। हिमाचल प्रदेश भी इस बार अनसेफ होगा, चंडीगढ़ हमेशा से अनसेफ है, पंजाब भी अनसेफ है, उसके बाद पंजाब और चंडीगढ़ में से चुनना होगा तो चंडीगढ़ आप जा सकते हैं, वो ज़्यादा सेफ है पंजाब की तुलना में, पंजाब का कट ऑफ हाई रहेगा, मतलब 70-72 के आसपास रहेगा, यहाँ कंपटीशन आपको बाकी सब स्टेट की तुलना में ज़्यादा देखने को मिलेगा। चेन्नई तो दिल्ली अनसेफ जोन है, उत्तराखंड बिल्कुल अनसेफ है, उसके बाद हरियाणा भी अनसेफ जोन है, तेलंगाना में हिंदी नहीं है बट ये सेफ जोन में आता है, मॉडरेट होगा, मतलब यहाँ कट ऑफ ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो जाता है, ठीक ठाक कट ऑफ जाएगा। जयपुर में हाई कट ऑफ रहेगा, उसके बाद अगर हम बात करें दिल्ली, लखनऊ दिल्ली में कट ऑफ हाई रहेगा, क्योंकि यूपी का बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो यूपी में कट ऑफ हाई रहेगा, मतलब 75 भी जा सकता है, 75 के आसपास। महाराष्ट्र से बिल्कुल सेफ जोन है, यहाँ कट ऑफ कम जाएगा, गुजरात से भी कम जा सकता है इस बार, महाराष्ट्र का कट ऑफ है। गोवा का भी कट ऑफ कम जाएगा दोस्तों, गोवा का कट ऑफ बहुत कम जाएगा, गोवा भी एक अच्छा जोन है, यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको कोंकणी सीखना होगा, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट में आप जहाँ भी अप्लाई कीजिए बिल्कुल आप सेफ होंगे, ठीक है ना। तो नॉर्थ ईस्ट में आप चाहे तो नागालैंड में अप्लाई कर सकते हैं, नागालैंड का लास्ट ईयर मुझे याद है कि कट ऑफ कम गया था, तो नागालैंड में आप अप्लाई कर सकते हैं, इस बार भी मुझे लगता है कि कट ऑफ कम जाएगा नागालैंड में, ठीक है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और मेघालय भी अच्छा जोन है, मेघालय में भी कट ऑफ कम जा सकता है। अब मैं बता दूं कि कहाँ कहाँ कट ऑफ कम जाएगा, तो देखिए सबसे कट ऑफ कम जाएगा नागालैंड में, यहाँ कट ऑफ सबसे कम जाएगा, आप फिल करके देख लीजिएगा।
मेघालय भी अच्छा जोन है, यहाँ भी कट ऑफ आपको लगभग 65 से ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा इन दोनों जोन में। नागालैंड में हो सकता है कि 56-57 के आसपास ही कट ऑफ रह जाए, मतलब 60 भी नहीं टच करे। मेघालय में भी वही हो जाएगा 60 के आसपास, बट मैक्सिमम 65 मान के चलिए, ठीक है। और अगर आपको हिंदी वाले जोन में अप्लाई करना है तो जहाँ केवल हिंदी बोला जाता है वो यहाँ छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश में अप्लाई कर सकते हैं, ये दोनों बिल्कुल सेफ जोन है। तो अगर आपको आसपास रहना है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं जाना है, तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश को अप्लाई कीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि छत्तीसगढ़ का कट ऑफ हर बार कम जाता है तो ये सेफ जोन है, बट मुझे जहाँ तक लगता है इस बार मध्य प्रदेश का कट ऑफ कम जाएगा छत्तीसगढ़ की तुलना में, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि बच्चे क्या देखेंगे, बच्चे देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में ज़्यादा वैकेंसी है तो ज़्यादा बच्चे वहाँ फिल कर देंगे, ठीक है। तो ये भी बात होता है, और काफ़ी बच्चों को पता चल गया होगा कि होम सेंटर ही होता है तो उनको फिल करने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर बात करें कि सबसे कम कट ऑफ कहाँ का रहने वाला है, तो सबसे कम कट ऑफ गुजरात का, गुजरात दोस्तों बिल्कुल सेफ है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को ये पता नहीं है कि आपको लैंग्वेज तो चाहिए लोकल लैंग्वेज, बट उसके लिए टाइम दिया जाता है, 6 महीने में आपको प्रूफ करना होता है कि आपको, मतलब टेस्ट होगा, लैंग्वेज टेस्ट होगा, उसको अगर आपको आता, उसको अगर पास कर जाइएगा तो आपका जो जॉब होगा वो फिक्स हो जाएगा। मतलब 6 महीने तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, 6 महीने में कि में आपको टेस्ट लिया जाएगा, अगर नहीं भी कर पाते हैं तो फिर 6 महीने का एक्सटेंड किया जा सकता है, वो डिपेंड करेगा बैंक के ऊपर। तो होने के बाद दोस्तों निकाला नहीं जाता है, तो अगर आपको डर लगता है कि कट ऑफ क्लियर नहीं होगा तो आप गुजरात जा सकते हैं, गुजरात का कट ऑफ कम जाता है हर साल, ग्रामीण बैंक का एग्जाम हो या IBPS का एग्जाम हो या SBI का एग्जाम हो, मैंने देखा है गुजरात का कट ऑफ कम जाता है, ठीक है। तो गुजरात या फिर महाराष्ट्र, यहाँ भी कट ऑफ कम देखने को मिलेगा इस बार, 60 से नीचे गुजरात का भी देखने को मिलेगा, 55-60 के आसपास, ठीक है, 55 भी हो सकता है, गुजरात या महाराष्ट्र में से कोई एक 55 जाएगा, ठीक है। और लैंग्वेज नहीं सीखना चाहते हैं तो अंडमान एक अच्छा ऑप्शन है, छत्तीसगढ़ का कट ऑफ कम जाएगा, पर छत्तीसगढ़ से कट ऑफ कम जाएगा अंडमान का, तो अंडमान भी अप्लाई कर सकते हैं। सिक्किम अगर जाते हैं तो इंग्लिश जहाँ बोला जाता है वहाँ ज़्यादा कम कट ऑफ जाएगा, अब जहाँ अंडमान में हिंदी भी बोला जाता है तो यहाँ बच्चे अप्लाई करेंगे, बट यहाँ पे सिक्किम में इंग्लिश और नेपाली बोला जाता है तो यहाँ बच्चे अप्लाई नहीं करेंगे। तो अंडमान और सिक्किम में बोलेंगे तो मैं बोलूँगा सिक्किम ज़्यादा सेफ़ है, ठीक है। तो आप लोगों को कन्फ्यूज हो गया होगा, बट मैं अभी बता देता हूँ कि गुजरात अगर लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो गुजरात या महाराष्ट्र में से किसी एक को फिल कीजिए, अगर आपको इंग्लिश आता है तो सिक्किम या अंडमान या फिर नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, नागालैंड में फिल कीजिए, वहाँ कट ऑफ कम जाएगा, नागालैंड का तो सबसे कम कट ऑफ जाएगा, 55 से भी कम रह सकता है। और उसके बाद आपको मैं बता दूँ बस छत्तीसगढ़ हिंदी वाले स्टेट में, ठीक है, हिंदी वाले स्टेट में छत्तीसगढ़ या फिर MP से फिल कीजिए, इंग्लिश आता है, सिक्किम नागालैंड मेघालय इन सब में से आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश भी कम कट ऑफ जाएगा, वहाँ पे असम में ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ कम कट ऑफ जा सकते हैं, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं लास्ट में फिर से बता देता हूँ कि हिंदी में अप्लाई करना है तो छत्तीसगढ़ में अप्लाई कीजिए या फिर MP में अप्लाई कीजिए। उसके बाद आपको अगर मान लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट में अप्लाई करना है तो नागालैंड में अप्लाई कीजिए या फिर आप मेघालय में अप्लाई कीजिए, यहाँ कट ऑफ कम जाएगा। और भाषा सीखना है तो गुजरात में अप्लाई कीजिए, गुजरात नहीं पसंद है तो महाराष्ट्र में अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो मैंने आप लोग को अपने तरीके से समझाने का कोशिश किया, क्योंकि मैं SBI का जो नोटिफिकेशन है कट ऑफ है लगभग 6 साल से मैं देख रहा हूँ, 6-7 साल से, और मैंने ट्रेंड को पहचाना है, इस हिसाब से मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि कहाँ कट ऑफ कम जा सकता है, ठीक है ना। और मैंने सभी जोन को फिल किया, मैंने देखा है कि कहाँ का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर फिल कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि सभी का कुछ फ़ायदा हो सके। और आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, आपने वीडियो अंत तक देखा, थैंक यू।